बहादुरगढ़ पत्रकार संघ द्वारा शहर के वैश्य आर्य बीएड कॉलेज में स्वर्गीय पत्रकार डीएस अनुज स्मृति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ और झज्जर जिला के उपायुक्त संजय जून बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। कार्यक्रम में बहादुरगढ़ शहर का गौरव बढ़ाने वाली सिविल जज भुजाली को बहादुरगढ़ गौरव सम्मान से नवाजा गया। आमतौर पर ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि जब कोई अपने किसी ख्वाब को अपने पहले ही प्रयास में हासिल कर ले। ऐसा ही कुछ किया है शहर के बराही रोड स्थित राधा कॉलोनी में रहने वाली 24 वर्षीय भुजाली ने। इनकी इच्छा बचपन से ही जज बनने की थी। शहर के बाल भारती स्कूल में विज्ञान संकाय में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली सुश्री भुजाली ने पूरे झज्जर जिले में टॉप किया था। साल 2017 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की पढ़ाई पूरी करके बिना किसी कोचिंग के भुजाली ने न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी की और अपने पहले ही प्रयास में 24वीं रैंक हासिल कर अपने सपने को पूरा किया। भुजाली फिलहाल साकेत कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी सिविल जज के पद पर कार्यरत है। भुजाली ने न सिर्फ अपने माता पिता का नाम रोशन किया है बल्कि पूरे बहादुरगढ़ का गौरव भी बढ़ाया है। हम कैसे संस्कार भी दें, संस्कार के साथ साथ संस्कार कुछ खास बात नहीं है, एक पक्का विचार है जो हमारे दूसरे विचारों को प्रभावित करता है और कोई खास बात नहीं है संस्कार। लेकिन वो पक्का विचार किसके कहने से पक्का होता है? ऐसा व्यक्ति चाहिए आपके पास, ऐसा कहने वाला चाहिए कि उसके कहने से वो विचार आपका होता है। आपके घर में, आपके आसपास, आपके वो वातावरण चाहिए कि आपका विचार वो पक्का हो जो आपके बाकी विचारों को प्रभावित करे, आपके डिसीजन मेकिंग का हिस्सा हो जाए। थॉट मैनेजमेंट का ये तरीका और कुछ भी तरीका नहीं, हमको कुछ भी थॉट आते हैं। थॉट मैनेज कैसे हो सकते हैं? आपके पक्के विचार आपके बाकी थॉटों को प्रभावित करते हैं। ये सिस्टम है, ये सिखाया जाता था। ऋषि मुनियों ने 12 चीजें ऐसी निकाली थी जो ऑटो मोड में नहीं चलती है, जिनको कंट्रोल करके चला सकते हैं। श्वास, यही से शुरू करते थे हमारा सारा काम। कम करोगे ज्यादा करोगे, हमारे शरीर का आकार, हमारा भोजन, हमारा समय, हमारी रिएक्शन, हमारी इमोशंस, हमारे विचार, हमारी जो तीनों चारों एनर्जीज हैं, शरीर की ऊर्जा है, चाहे मन की ऊर्जा है, चाहे बुद्धि की ऊर्जा है, चाहे चेतना की ऊर्जा है, इन सबको ही व्यवस्थित करते करते वो इस लेवल पर पहुंचते थे। दुनिया देखने आती थी, दुनिया उनके पास आकर बैठना चाहती थी, उनको जानना चाहती थी, चाहे विवेकानंद हो, चाहे महर्षि रमन हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, वो इसी व्यवस्था से वहां पर पहुंचते थे। इसी शरीर में से अपनी कुछ चीजों को अपने कमांड में लेकर उसको इन्वेस्ट करते थे, इन ऊंचाइयों तक प्राप्त करते थे। लेकिन अगर हम बहेंगे ऑटो मोड में तो कहीं भी जाएंगे। कितना समय जागृत समय जाता है, कितना ऑटो मोड में जाता है, तो इस नाते से ये मेहनत करता पत्रकारिता का। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि पत्रकार वीरता के बिना तो पत्रकारिता नहीं कर सकता, बहादुर तो होना ही पड़ता है उसको। पूरे प्रदेश में गीता जयंती की बड़ी धूम थी और मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्रकार सब धर्म को जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए कहा है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम रास्ता है। लेकिन कई बार हम सबको अर्जुन की तरह से भरम रहता है। मुझे लगता है कि जो संघ है, संगठन है, वो कृष्ण का काम करेगा। अगर व्यक्तिगत रूप से किसी को भरम होता है तो लगातार बाकी को जागृत रखेगा, उस भ्रम को तोड़ता रहेगा कृष्ण का मन के, और ऐसे उस भ्रम से निकालते हुए जो अकर्मण्यता किसी भी कारण से हमारे जीवन में आती है उसको झाड़ पोछ के और लगातार जो है जागृत करते हुए आज का कार्यक्रम जो उसी वरदान का एक जागरण कार्यक्रम है। मैं पुनः बधाई देते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।